इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत एक भयानक घटना सामने आई, जहां पत्नी की गोद भराई रस्म की तैयारी कर रहे युवक की मामूली कारण से हत्या कर दी गई, जिसके चलते इस घटना की निषेध एवं न्याय की पुकार करते हुए अन्ना भाऊ साठे स्मारक समिति एवं लहूजी शक्ति सेना ऐसे विभिन्न संगठनों के तत्वावधान से एक दिवसीय धरना दिया गया, जहाँ मृतक के परिजनों ने न्याय की पुकार की है। गौरतलब है कि नागपुर शहर में फरवरी महीने में शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात एक और हत्या की वारदात इमामवाड़ा पुलिस थाने के इंदिरा नगर जातरुड़ी परिसर में हुई है। अपराधी शेरू उर्फ शंकर राठौड़ ने अपने बेटे ऋषिक राठौड़ के साथ मिलकर पड़ोस में ही रहने वाले महेश विठल बावनी नामक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। महेश रेलवे में अपने पिता की मौत के बाद अनुकंपा पर नौकरी पर लगे थे और गुरुवार को ही उसकी पत्नी का गोद भराई का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के चलते परिसर के लोग उसके घर में जमा हुए थे। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने आरोपी शेरू और शंकर राठौड़ से लॉकडाउन के समय ब्याज से कुछ पैसे उधार लिए थे। बताया जा रहा है कि शंकर अवैध सहकारी के धंधे में जुड़ा है और उसके खिलाफ इससे पहले हत्या और मारपीट जैसे मामले भी दर्ज है। जिस महिला ने शंकर से पैसे उधार लिए थे, उसकी बेटी महेश की बीवी को मेहंदी लगाने के लिए घर पर आई थी। इस दौरान शंकर शराब के नशे में मृतक के घर आया और बच्ची को गाली गलौज कर धमकाने लगा। हालांकि घर में मेहमान होने का हवाला देते हुए महेश ने गाली नहीं देने के लिए कहा था और इसी बात को लेकर शंकर अपने घर गया और अपने बेटे ऋतिक के साथ चाकू और रिवाल्वर लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। जहां ऋतिक ने महेश को पीछे से पकड़ लिया और उसके पिता शंकर ने चाकू से वार कर महेश की हत्या कर दी और घटनास्थल से फरार हो गया। महेश के परिजन ने उसे परिसर वासियों की मदद से मेडिकल अस्पताल भी लेकर गए, परंतु जांच के दौरान ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। इस घटना से पूरा परिसर दहल उठा है, जिसके चलते इस घटना के निषेध एवं न्याय की पुकार करते हुए अन्ना भाऊ साठे स्मारक समिति एवं लहूजी शक्ति सेना ऐसे विभिन्न संगठनों के तत्वावधान से एक दिवसीय धरना दिया गया, जहां मृतक के परिजनों ने न्याय की पुकार की है। इस समय अन्ना भाऊ साठे स्मारक समिति के अध्यक्ष गजानन बावने ने न्याय की मांग की है। गजानन बावने, लहू शक्ति सेना महाराष्ट्र राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। अन्ना भाऊ साठे स्मारक समिति बुटीबुरी का अध्यक्ष हूँ और जो दिवंगत महेश है वो मेरा लड़का ही है और वो इतना सुस्वभावी था कि वो किसी से कुछ करने लायक भी नहीं था, ना सभी से हंसमुख था। और ये जो वारदात हुई है शेरू उर्फ शंकर ने की है या उसके बेटे रितिक ने की है, वो जेलूस के कारण की है, क्योंकि ये रेलवे में नौकरी पर था और ऐसे समय में कि जैसे कि दूसरे दिन बेबी शावर का प्रोग्राम था उनके घर में और उसके पहले दिन महेश को कोई कारण न होते हुए उसे ख़त्म कर दिया गया। ये सिर्फ महेश की बात नहीं है, तो ये हमारे समाज में जो नौकरी वर्ग है या नौकरी करने वाले लोग हैं, ये उसी की हत्या है, ऐसा मैं यहाँ पे विदित करता हूँ। इस समय मृतक महेश बावने के परिजनों ने घटित पूरा मामला बताया, साथ ही न्याय की पुकार की है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दर्शकों, 21 फरवरी की घटना जो कि इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन परिसर में, जिसने कि सबका दिल झंझोड़ के रख दिया, जाटतुड़ी संभाग में एक घटना हुई जहां की दूसरे दिन युवक महेश बावने के, स्वर्गीय महेश बावने की पत्नी का सातवां महीने का कार्यक्रम दूसरे दिन आयोजित किया गया था और उसी दिन दो नराधम आए जिन्होंने की गाली गलौज की किसी कारण के कारण, और गाली गलौज करने के बाद जब महेश ने उन्हें रोका तो उसका खामियाजा उसे जान देकर चुकाना पड़ा। इस वक्त उसकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, महेश की पत्नी। क्या मामला था, आप चक्षुदर्शी उस मामले की, किस प्रकार का मामला था और किस कारण के कारण जो है ये जो इतनी बड़ी घटना हुई? जो लड़की थी हमारे घर में, मतलब मेरा दूसरे दिन ही सातवें महीने का कार्यक्रम था, तो उस दिन वो लड़की हमारे घर में मेहंदी निकालने के लिए आई थी मुझे, फिर वो गाली गलौज करने लगे। उसके माँ ने पैसे लिए थे, बोल रहे थे कि ब्याज के, ब्याज मतलब ब्याज से पैसे लिए थे, तो वो गाली गलौज करने लगा, फिर वो बाहर निकल गया। उनके पीछे मेरे हस्बैंड भी निकले बाहर,
निकले, वो उनको समझाने लगे कि बाबा तुम ऐसे बात मत करो, हमारे घर में कार्यक्रम है दूसरे दिन, तो चर्चा ही कर रहे थे सर हम लोग, तो गाली गलौच मत करो, उसी मतलब उसी की वजह से वो घर पे गया। हमको लगा कि झगड़ा सॉल्व हो गया, भागते भागते घर पे गया और चाकू और छुरी ले, मतलब चाकू और बंदूक लेकर आ गया। और जो लड़का था, लड़के को साथ में लाए थे उन्होंने, वो लड़के ने हाथ पकड़ा, उसको भुक्की मारी और उसके पिता ने चाकू से उसका वार कर दिया मेरे हस्बैंड पर। दर्शकों, दुख का जो है, दुख जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो इस युवती का, जिसका कि आज परिवार पूरी तरह से बिखर गया है, महेश की माँ भी इस वक्त है, आप भी चक्षुदर्शी है, क्या कहना चाहेंगी, क्या है आपकी मांग आखिर, और पुराना कुछ वैमनस्य था उनसे? नहीं सर, आमचे पुराने काही त्यांचे संग काही संबंध नव्हते, काही झगडा नाही ना भांडण नाही। आमच्या घरी सातव्या महिन्याचा कार्यक्रम होता, त्यांना ज्या बाईला व्याजाचे पैसे दिले होते त्या बाईची मुलगी आमच्या घरी मैदी काढण्याकरिता आली होती, तर त्या मुलीला येऊन शेरू राठोडनं तिला शिवागारी केली आणि शिवागारी करून म्हणाला उसने पैसे ली तो दी क्यों नहीं, तो असा म्हणाला महेश, त्याला म्हणाला की तू शिवागारी करू नको बाबा आमच्या घरी, आणि तो घरी जाऊन सानी आपल्या मुलाला ऋतिक राठोड आणि का म्हणते शेरू राठोड दोन्हीही हातामध्ये अवजार घेऊन आले ना, ऋतिक राठोडनं त्याचा हात पकडला मागून आणि शेरू राठोड त्यांनी तोंड दाबून सानी त्याच्या पोटा इथे त्याचा चाकू खुपसला आणि चाकू खुपसून सानी महेश भाऊने इथून तर तिथपर्यंत गेला आणि तिथे जाऊन सानी जाग्यावरच त्याची गेटाला हात पकडून त्याची मृत्यू झाली जाग्यावरच। दवाखान्यात नेलं तर डॉक्टर लोकांनी त्याला घोषित केलं की ह्या मरण पावला म्हणून सानी। आमची मांग ही आहे की शेरू राठोड आणि काय म्हणते ऋतिक राठोड जशी आमची मुलाची हत्या झाली तशी त्यांना फाशीची सजा मिळालाच पाहिजे, हे त्याच्या मम्मीची मांग आहे। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, आज घटना बताते वक्त भी है जो आंखों से जो है आंसू निकल रहे हैं, जहां जिस घर में फटाके फूटने चाहिए थे, जिस घर में मिठाइयां बटनी चाहिए थी, आज उसका घर का जो माहौल है पूरी तरह मातम में तब्दील हो चुका है। तो इस वक्त जो है महेश के चाचा भी हमारे इस वक्त मौजूद है। पूरा जो मामला हम यहाँ सुन चुके हैं, उसके बाद कोई प्रशासकीय कोई पुलिस द्वारा मदद की गई या क्या संज्ञान लिया गया, और आगे आप क्या मांग चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और इस वक्त आप संविधान चौक पर मौजूद है किस कारण के लिए? महेश बावने जो है हमारा भतीजा, उसकी हत्या हुई थी, उसके हत्या के इसमें हम यहाँ खड़े हैं। कल डीसीपी साहब वगैरह घर पर आए थे, उन्होंने हमें दिलासा दिलाया कि हमारा ये जो मांग है वो पूरी करेंगे और हमें उन पर भरोसा है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डीसीपी साहब ने जो हमारे को दिलासा दिए, बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा कठोर शिक्षा हो और वो बाहर नहीं आए। यदि वो बाहर आते हैं तो ये समझ के चलो हमारे जान को और ज़्यादा खतरा है। बस्ती के लोग भी उनसे बहुत परेशान है, कोई खुल के बाहर नहीं आ रहा, हर कोई हमारे से दूर है उनके डर के वजह से। बस इतना चाहता हूँ कि उनको कम से कम जन्म ठेप की सज़ा तो हो ही हो, बस इतना ही। घटना के दिन भी कोई आया था घर पे? कोई नहीं आए थे। और अभी तक आरोपी जो है, आरोपी मिले हैं या क्या क्या स्थिति क्या है? आरोपी मिले हैं, आरोपी का आज तक के पीसीआर है 28 तारीख तक के। अभी हमारी भी ऐसी गुंजाइश है कि उनका और पीसीआर बढ़े, और उनके पास से अभी तक के जो माउजर नहीं मिला, अभी हमको माउजर के बारे में हमने 2-3 बार बताया है, लेकिन वो माउजर के बारे में अभी तक के वो लोग ने हमको कुछ भी नहीं बताया कि मिला नहीं मिला, बस चालू है कि फायर बंदूक है। हमारी यही कहना है कि वो माउजर दिखा है, क्योंकि बस्ती के लोगों ने माउजर देके उसकी गोली नीचे गिरी थी, ये सब चीज़ें देखे, लेकिन उसका उल्लेख अभी तक के कहीं पर नहीं हुआ है। बस उसकी माउजर दिखा है, उसके वो भी केस लगा है, उसके लड़के बस वो कड़ी सी कड़ी शिक्षा हो, उसके ऊपर ज़्यादा बोलने की हमारी सहन शक्ति कुछ भी नहीं बची है। पहले आपके एरिया का ही व्यक्ति है या पहले, मतलब उसका किस प्रकार का रवैया रहा है लोगों से बात करने का या समाज में जो है समाज में रहने का? बस्ती की लड़कियों को बोलो, बहनों को बोलो या किसी से भी, उसका बर्ताव तो इतना गंदा था कि अश्लील गाली देने के सिवा तो उसको कुछ आता ही नहीं था। चाहे वो बच्चे हो, उसके उम्र से बड़े हो या उसके उम्र से बहुत ज़्यादा छोटे हो, वो किसी को नहीं समझता था। बस उसका एक ही हिसाब था कि किसी ने उसको रोक भी दिया, भाव कहा जा रहा तो बस गाली देके ही बात करता था
इतना बेकार रवैया उसने बस्ती के अंदर। दर्शकों, जिस प्रकार से इस कुख्यात व्यक्ति ने एक परिवार को उजाड़ दिया, जिस प्रकार से महेश बावने आज पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन जिस दर्द के साथ उनकी मौत हुई है, जिस दर्द उन्होंने उस वक्त जो है झेला होगा, साथ ही साथ एक बच्चे के भविष्य की कल्पना करते हुए उन्होंने जो सपने संजोए होंगे वो आज कांच की तरह दागदार, कांच की तरह चूर हो चुके हैं। दर्शकों, उसी के कारण जो है आज संविधान चौक पर अन्ना भाऊ साठे स्मारक समिति बुट्टेपुरी द्वारा यहाँ जो है सभा ली गई है। साथ ही साथ मांग की गई है कि उन्हें कठोर से कठोर शिक्षा हो, कठोर से और सीधे तौर पर बोला जाए तो फांसी की शिक्षा की जो मांग जो है ऋतिक राठौड़ और शेरू राठौड़ जो कि इस मामले के कुख्यात आरोपी है उनके खिलाफ की गई है। तो देखते हैं इसका आगामी क्या असर पड़ता है, साथ ही साथ बावने परिवार को न्याय मिलता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।